नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलना ताकि वो अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में दोबारा से मैं बात करने वाला हूँ सिंकाउंट फाउंडेशन इंडिया शेयर के बारे में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है अगर आपके पास ये पैनी स्टॉक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टॉक को 3 रुपये प्राइस में बाय किया है, और साथ में उन लोगों के लिए जो स्टॉक को दोबारा भी एंट्री करना चाहते हैं। तो अंत तक देखना, स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, और लाइक करके सपोर्ट दिखाना क्योंकि काफ़ी बार मैंने आपको बताया स्टॉक के आप क्या कर सकते हो, लगातार काफी बहुत बड़ा पैसा आपका ट्रैप होने स्टॉक में बचा है। तो इस बात के शेयर पक्का करना, ठीक है? तो दिखाता हूँ आपको अभी स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। तो सिंपल एक प्राइस एक्शन बताऊंगा, ठीक है? आप प्लीज मेरी बातों में बिलीव मत करना, जो बातें बोल रहा हूँ ना उसको क्रॉस वेरीफाई करना चार्ट में जाके, ठीक है? अगर चार्ट में वो चीजें नहीं होती है तब आके नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये गलत है, मतलब मार्केट अगर नीचे जा रही है तो स्टॉक नीचे जाएगा, वो टोटली एग्री है, ठीक है? वो हम सब समझते हैं, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, कोई भी स्टॉक अगर मार्केट में है तो उसका एक साइकिल होता है खासकर सेक्टर का। तो हमें किसी भी स्टॉक अगर आपको बाय करना सेल करना है तो आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आप उसके ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सिंकॉम फॉर्मुलेशन का भी ट्रेंड क्या है वो आपको मैं लास्ट महीने वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कितनी बार बोलूंगा बताओ आप लोगों को, कितनी बार, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। तो सुनो और देखो और एंजॉय करो, शेयर करना, ठीक है? जी दोस्तों, मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, 10 रुपए 98 पैसे का ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों में स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है। खुश होने की आवश्यकता नहीं है, 5 दिनों में 20% का रिटर्न दिया है तो भाई 1 महीने में स्टॉक ने 28% का डाउन रिटर्न दिया है, ठीक है? अगर हाई से चेक करते हो तो स्टॉक ने जो लो लगाया और वो 40% की करेक्शन स्टॉक पर देखने को मिली है। जो जो स्टॉक 40% अगर टूट जाता है तो अगर वो स्टॉक 20% रिकवर कर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है? अगर आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पता है तो भैया समझो बात को, अगर 1 से 10 चीज हो जाती है, 1 वाला प्राइस 10 हो जाता है, तो अगर वो 5 रुपए जाता है तो वो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई स्टॉक 40% टूट गया और 20% भाग गया तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है? उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जैसा आपको पता है, जब बहुत बड़ी गिरावट आती है तो आपको एक बड़ा बाउंस देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि कोई कोई भी इतनी बड़ी मूव को नीचे की तरफ डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एक हरी कैंडल बनना 100% श्योर है, बनती बनती है, ऐसा अभी जो स्टॉक में हो रहा है। तो हमें क्या इस मूव में बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको ये काम नहीं करने हैं। मैंने आपको बताया ना, स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है और आपको फंसाने का काम भी करती है। अब आपको देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी है या आपको फंसा रही है। मैं पर्सनली बहुत तरीके हैं, ठीक है, मैं कौन तरीका अप्लाई करता हूँ देख लो। जब स्टॉक का प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था आपको बताया था मैंने, एग्जिट कर दो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो ये 3 4 कैंडलें यहाँ भी बनी थी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, एग्जिट कर दो। मैंने क्या बोला था, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, आप सर्च मार सकती हो, ठीक है? क्योंकि अगर अभी मैं क्लिप ढूंढना स्टार्ट करूंगा, ऐड करूंगा तो टाइम लग जाता है, ठीक है? थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, ठीक है? पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा ये चैनल सिर्फ फेथ में चलता है और बिलीव में चलता है, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से चलता है। और ये स्टॉक 3 रुपए के प्राइस सजेस्ट किया था और आज 10 रुपए ट्रेड कर रहा है, अभी भी हम प्रॉफिटेबल में बैठे हैं। 300% का रिटर्न अभी मुझे आ रहा है, ठीक है? मुझे मतलब मेरे दोस्तों को आ रहा है, मेरे पास स्टॉक पर्सनली नहीं है, ठीक है? मैंने क्यों नहीं होल्ड किया, अगर मुझे पता स्टॉक ऊपर जाएगा तो देखो यार, मैंने क्या बताया, स्टॉक मार्केट में माइंडसेट काम करता है। मेरा जो माइंडसेट है ट्रेडिंग का है, ठीक है? मैं मोस्टली ट्रेड करना पसंद करता हूँ स्टॉक्स में, ठीक है, ना कि होल्ड करना पसंद करता हूँ। अब आप लोग पूछो कि आप लोग क्या करना पसंद करते हो, भैया मुझे ट्रेडिंग पसंद है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सिंपल सी बात है। आप लोगों को क्या पसंद है, ट्रेडिंग पसंद है, लेकिन टाइम है तो तब ट्रेडिंग कर पाओगे, टाइम नहीं तो कहाँ से ट्रेडिंग कर पाओगे, जॉब करते हो तो कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? तो ये सब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और
गलत नहीं है जॉब करना, जॉब करो लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट करो। मेरे दोस्त ने लगा रखा है 3 रुपए के प्राइस में, दोस्तों ने लगा रखा है अभी तक कैरी कर रहे, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है चुपचाप, ठीक है ना। बैंक में पैसा रखने से बढ़िया यहाँ डालो, ठीक है। तो इनकम फॉर्मुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अभी एक तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना। और जिनको नहीं पता है इसके बारे में, भाई फार्मा का ये डेट फ्री स्टॉक था एक टाइम, तो स्टॉक का प्राइस मात्र 60 पैसे ट्रेड करता था 2020 में जब करेक्शन आई थी, और आज 19 रुपए का ही लगा है। तो ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है? क्या यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है? नहीं, इसके नंबर अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। 22% CAGR है लास्ट 5 सालों में, और नंबर्स देखो यार, नंबर्स देखो। दिसंबर में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और ईयरली परफॉर्मेंस देखो 22 करोड़ का अभी प्रॉफिट हो चुका है, और लास्ट 10 साल का प्रॉफिट देखो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। बाकी बैलेंस शीट देखो आप, ठीक है, रिजर्व भी 123 करोड़ है, और जो डेट है 64 करोड़ का डेट है, ठीक है। कैश 3 करोड़ का नेगेटिव है, एंड श्योरिटी पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 38 से 44% हो गई, ठीक है, जो बढ़ चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो 61 से 55% है, ठीक है भाई। तो पब्लिक लगातार डिक्रीज कर रही है और आपके प्रमोटर्स माल भर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी में क्या काम हो रहा है। तो बीएससी में देखो ये डिलीवरी उठाई जा रही है स्टॉक में, सिंकॉम में ये डिलीवरी उठाई जा रही है रोजाना, तो इसकी सजेशन मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। जबकि मेरे सब्सक्राइबर है तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, यू मस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। राइट अपॉर्चुनिटी का मतलब राइट प्राइस, ठीक है। अब आप बोलोगे 70 रुपये राइट प्राइस नहीं था, 15 राइट प्राइस नहीं था, 11 राइट प्राइस नहीं था, 10 राइट प्राइस नहीं था, तो क्या था भाई? भाई अब भाई अपने आप से पूछो, 18 वाली 10 हो गई, 80% डाउन हो गया। जो व्यक्ति 18 में बाय करके बैठा वो पछता रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे, जो तरीका आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा अपना स्टडी अपना दिमाग लगाना है, बाकी बाकी जो चीज बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। अब वो तरीका क्या है देखो, ठीक है, ये काम तरीका काम करता है स्टॉक, इस स्टॉक में खासकर, दूसरे स्टॉक में करे ना करे, लेकिन ये स्टॉक में 101% तक का काम करेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक में क्या करना आपको तरीका बता रहा हूँ, तो उसको प्लीज फॉलो कर लो, ठीक है। मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा अगर इस स्टॉक दोबारा मुझे मिलता है। अब बाय कहाँ करना है वो तरीका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपने ये स्टॉक को बाय कर लिया है, सिंकॉम फॉर्मुलेशन को, अगर आपने सिंकॉम फॉर्मुलेशन को बाय कर लिया, तो ट्रेडिंग बता रहा हूँ उसमें कैसे करना काम, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने स्टॉक में अप्लाई किया है 53 मूविंग एवरेज, ये है लॉन्ग पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप 2022 में स्टॉक को बाय कर रहे हो लॉन्गर पीरियड के लिए, तो ये मूविंग एवरेज अप्लाई करोगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो, 6 नंबर का मूविंग एवरेज अप्लाई करोगे। तो अब आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए बैट लगा रहे हो। ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक में बाय हमारा एक्टिव हो चुका है, लेकिन अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हो, तो स्टॉक को तब तक बाय मत करना जब तक ये 13 रुपये 42 पैसे, मतलब आपका इस 53 मूविंग एवरेज के ऊपर दो हरी कैंडल क्लोज नहीं करता, देखो ऐसा कुछ, तब तक स्टॉक को बाय मत करना, ठीक है। अब सेटिंग एक बार देख लो मूविंग एवरेज की, और ये काम करता है तरीका, इसको हल्के में मत लेना। आप बोलो किसका मूविंग एवरेज चाहिए, मैं दूंगा और ये काम करेगा, ठीक है। 10 बार ट्रेड लोगे तो 7 बार सक्सेसफुल होगा, 3 बार लॉस जाएगा, लेकिन जो 7 बार ट्रेड जाएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मार्जिन देखो ये होने वाला है, लुक एट दिस, ये होने वाला, ये सीधा ये होगा, क्योंकि ये ट्रेंड बताता है। मात्र 8 दिनों में ये रिटर्न बनाइए, पैसा 70% डबल सीधा, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा, ठीक है, मात्र 98 पैसे का, 1 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, प्रॉफिट 4 से 5 रुपये का। तो इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, जिनको नहीं पता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक में सिंकॉम का शॉर्ट टर्म व्यू, 13.42 तक जाएगा इसका रेजिस्टेंस है, अगर जा सकता है 13.50 तक, तो वहां तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, उसके ऊपर जाने की मत सोचना कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट यहां तक ही होने वाला 13.50 तक। अगर आपको बाय करने की चुल मच रही है तो बाय कब करना लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता, डू नॉट बाय दिस पैनिक स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है, ठीक है। अब ट्रेडिंग पर्पज के लिए बता दूं, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया, लॉन्ग टर्म मतलब जो लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग का समझ लो, ट्रेडिंग में क्या करना है, 6 नंबर का मूविंग एवरेज अप्लाई करना है, और 6 नंबर का मूविंग एवरेज आपको मूविंग यहाँ भी करना है और आपको चार्ट में भी अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग भी करते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। तो ट्रेडिंग का देखो मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, तो
ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे क्या दिख रहा है पहली बात। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि स्टॉक नहीं देख सकते हो, लगातार 6 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी हमें देखो यहाँ मिली, ठीक है यहाँ मिली, पैसा देखो कितना अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ हमारा कट गया प्रॉफिट में। ठीक है, और देखो दोबारा अपॉर्चुनिटी देखो यहाँ मिली, कहाँ मिली दिखा रहा हूँ आपको। देखो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ना कि मैं लॉन्ग टर्म बेट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग जो कर सकता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो हरी कैंडल क्रॉस करी, करी ना, इसका हाई देखो कितने रुपए का है, 10 रुपए, कितने रुपए का हाई है देख लेते हैं एक बार मैप करके। ठीक है, ट्रेड हमारा एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है आपके सामने कर लेते हैं, देख लेते एक बार। तो देखो इसका जो हाई है 16 रुपए 35 पैसे का, तो कम से कम 5-10 पैसे का बफर लेना है। तो देखो ये कैंडल ने इसका ट्रेड एक्टिव कर दिया, चलो मान लो। ठीक है, देखो ये इसका हाई है, और देखो 16:35 का इसका हाई है, और इसका हाई देखो 16:40 का है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस प्राइस का ओपन ही 16:35 16:40 हुआ है, तो मतलब हमारा ट्रेड देखो 16:40 ही इसका हाई, तो हमारा जो बफर रहेगा 16:45 रहेगा। तो 16:45 कभी आया नहीं, स्टॉक का नीचे की तरफ आ गया। और देखो यहाँ, देखो यहाँ दो हरी कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये दो हरी कैंडल मान लो या इन दो को मान लो, तो कल का अगर डे हाई टूटता है 10:98 का, तो स्टॉक में तेजी आ सकती है, जो स्टॉक को 13 रुपए तक लेके जाएगा, जो मैंने आपको बताया 10:98 अगर टूटता है, 10:98 के ऊपर 11:05 मान लो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म व्यू बताया मैंने, शॉर्ट टर्म, तो ये स्टॉक आपको 13:70 तक के टारगेट दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू 13:70 स्टॉक का रेजिस्टेंस, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करता डू नॉट बाय। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम, अगर मान के चलो यहाँ आपका ट्रेड एक्टिव हो गया तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल, इतना छोटा स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट देखो इतना बड़ा है, समझ गए, तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। और भाई यहाँ अगर कल तोड़ देगा ये 10:98, तो स्टॉक में तेजी आ सकती है, मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा। ठीक है, अगर ये तोड़ता है 10:98 मैं खुद बाय करूंगा, लेकिन तोड़े तो सही 10:98, क्या पता ना तोड़े नीचे गिर जाए। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, और ये चीजें काम करती है तभी बता रहा हूँ, तो आप भी इसको फॉलो करो। सिंकॉप का मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी दोनों, तो इसको फॉलो करो भाई। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।